इधर मानसरोवर मामले में मंगलवार को कार्यवाहक महापौर शील धाबाई का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में धाबाई ये कहती है, सुनी जा सकती है कि जब उन्होंने पीड़ित के घर जाकर मुलाकात कर ली है तो फिर पीड़ितों को कुछ और करने और किसी और से मिलने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित के घर जो भी नेता आए थे वो बस नेतागिरी के लिए आए थे। उन्होंने पीड़ितों को FIR लिखवाने के लिए भी मना किया है। आपको बता दें कि मानसरोवर में एक पार्क में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई के लिए जोरदार प्रदर्शन किया था। देख लिया ना खुद ने कि जो नेता आए उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, नहीं सब पॉलिटिक्स के लिए आए थे ना। बिल्कुल यही हुआ मैडम, मुझे मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करती। मैं सेकंड डे भी इसीलिए नहीं आई थी कि मुझे पता था कि वो समापन नाटक हो रहा है, इसलिए मैं आपसे अकेले में मिलने आई थी। हाँ नहीं बिल्कुल मैडम, बहुत सही किया आपने। बस आप चुपचाप बैठो, आप देखते रहो। मैडम इसमें क्या है मैडम, एक थोड़ा सा एक सजेशन लेना था कि कल जैसे मुकदमा, जैसे बच्चे के फ्री हो गए हम 10 बजे से, तो कल मुकदमा दर्ज करा दे मैडम। किस बात का? जैसे जो लापरवाही का उसके निगम के अधिकारियों के खिलाफ। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बताओ? नहीं अगर आप बोले तो क्या होगा, तो हम तो वैसे आपने सोचा ही कैसे, जब हमने सस्पेंड कर दिया, सारा कर दिया उसका, आपसे सारी बात हो गई, फिर क्या मतलब क्या, कौन चला देता है ऐसी गलत? नहीं मैडम वो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं जो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो आए थे परसों, उन्होंने उन्होंने बोला कि मतलब मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। चंद्र प्रकाश चेतानी जी हैं एडवोकेट, बोला कि एक बार मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। वो उन्होंने बातों में मत आओ, नेताओं पैसे तो आपके लगेंगे ना मुकदमे के। हाँ मैडम वो बात तो सही है। कहाँ से दोगे आप पैसे? तो आप... मुकदमे का मतलब समझते हो, कुछ होना जाना नहीं है, सालों तक आपके बकी भी खा जाएंगे, उससे होगा क्या? अच्छा देख लिया ना खुद ने कि जो नेता आए उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, नहीं सब पॉलिटिक्स के लिए आए थे ना। बिल्कुल यही हुआ मैडम, मुझे मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करती। मैं सेकंड डे भी इसीलिए नहीं आई थी कि मुझे पता था कि वो समापन नाटक हो रहा है, इसलिए मैं आपसे अकेले में मिलने आई थी। हाँ नहीं बिल्कुल मैडम, बहुत सही किया आपने। तो बस आप चुपचाप बैठो, आप देखते रहो। मैडम इसमें क्या है मैडम, एक थोड़ा सा एक सजेशन लेना था कि कल जैसे मुकदमा, जैसे बच्चे के फ्री हो गए हम 10 बजे से, तो कल मुकदमा दर्ज करा दे मैडम। किस बात का? जैसे जो लापरवाही का उसके निगम के अधिकारियों के खिलाफ। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बताओ? नहीं अगर आप बोले तो क्या होगा, तो हम तो वैसे आपने सोचा ही कैसे, जब हमने सस्पेंड कर दिया, सारा कर दिया उसका, आपसे सारी बात हो गई, फिर क्या मतलब क्या, कौन चला देता है ऐसी गलत? नहीं मैडम वो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं जो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष है, वो आए थे परसों, उन्होंने उन्होंने बोला कि मतलब मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। चंद्र प्रकाश चेतानी जी हैं एडवोकेट, बोला कि एक बार मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। वो उन्होंने बातों में मत आओ, नेताओं पैसे तो आपके लगेंगे ना मुकदमे के। हाँ मैडम वो बात तो सही है। कहाँ से दोगे आप पैसे? वो तो आप... मुकदमे का मतलब समझते हो, कुछ होना जाना नहीं है, सालों तक आपके बकी भी खा जाएंगे, उससे होगा क्या? अच्छा।